सो हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड केतन। सो आज अपन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, ये वाला जो टॉपिक के जो क्वेश्चन है गाइस, ये केमिस्ट्री में भी आएंगे और फिजिक्स में तो ही। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, एक रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखो, एक रदरफोर्ड के मॉडल में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। इस आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो थीटा है, थीटा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। सो यहाँ पे एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, 1/sin ऑफ थीटा बाय 2^4। तो ये आप याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब बता दो, अगर कोई वैसे आप न्यूट्रॉन है यहाँ पे, सो न्यूट्रॉन से जब डीके होगा गाइस, तो वहाँ से निकला एक प्रोटॉन प्लस एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस का ब्रेक होने से निकलता है। सो वाई इट इज़ अनस्टेबल व्हेन एन बाई पी इज ग्रेटर देन 1.33। ये जब रेशियो होता है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अपन कहते हैं कि बीटा पार्टिकल तो आपको पता चल गया, तो आपको पता कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। अल्फा पार्टिकल आप किसे कहोगे, अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, अपना Hg4। सो आपको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने होता है, एटॉमिक मास चेंज अपॉन 4। सो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। सो इसी तरह से नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स अगर आपको पूछा जाए, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स होता है 2 into अल्फा पार्टिकल माइनस चेंज इन एटॉमिक, ये वाला। सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। लेट्स से हमारे पास है 80x230 और ये जा रहा है इसमें 74y202। तो आपको निकालना है अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल अगर निकालोगे तो क्या है एटॉमिक मास चेंज, यहाँ पे 230 माइनस 202 बाई 4, सो कितना होगा 28/4, दैट इज़ व्हाट 7। सो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर 7। अगर इसी में आप गाइस, अगर आप बीटा निकालना चाहोगे, तो बीटा निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीधा 2 into अल्फा पार्टिकल माइनस चेंज इन, अभी देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो ये कितना हो गया, ये 7 है, 2 into 7 माइनस ये चेंज कितना है, 80 minus 74 चेंजेस 6। यहाँ पे कितने बीटा पार्टिकल होंगे, 14 minus 6 दैट इज 8। सो दिस इज़ वन कंसेप्ट। अब आपको बताऊँगा, जब आप डी के क्वेश्चन करते हो, लेट्स से आपके पास एक्स है, यहाँ पे आपका ये न्यूट्रॉन है, ये जा रहा है किसी y प्लस, और यहाँ पे जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे गाइस, और एक e नॉट एनर्जी रिलीज होगी। सो फॉर एनी nth ऑर्डर, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए कि nth के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस हो गए, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 3^n, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप इसमें एनर्जी चाहते हो गाइस, एनर्जी कितनी होगी, 3^n-1। अगर आपने n इज इक्वल टू 1 रखा, सो आप सीधा सीधे यहाँ पे देखो, n इज इक्वल टू 1, सो 3^1, सो दैट इज कितने, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और 3^1-1 तो कितना हो गया 0, मतलब 3^0 कितना हुआ 1, सो कितना हो गया e नॉट इज द एनर्जी गाइस। अभी विल गो फॉर द डी के गाइस। अगर डी के प्रॉब्लम्स आपको आते गाइस, तो यहाँ पे आपको सीरीज होती है 4n सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज, 4n+3 सीरीज। अब जो आपकी 4n+2, 4n+3 ये जो सीरीज है ना गाइस, इसे कहते हैं नेचुरल सीरीज होती है ये। ये नेचुरल सीरीज का एंड कितना होता है, ये है होता है प्लम्बर पे। और आपकी जो 4n+1 सीरीज, दिस इज व्हाट, दिस इज आर्टिफिशियल सीरीज, ये आपकी आर्टिफिशियल सीरीज है यहाँ, और इसका जो एंड होता है वो बिस्मत पे होता है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स से ए गिविंग बी, और यहाँ पे इसका डी के कॉन्स्टेंट λ1 है, यहाँ पे ये λ2 और सी दे रहा हो, तो n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 कब होता है, वेन इट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पे। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो dN/dt इज इक्वल टू λ n^1। सो ये जो फॉर्मूला है गाइज, ये इक्विलिब्रियम के लिए आप dN/dt इज इक्वल λ n^1 यूज़ करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें गाइज, कि आपको तीन इसमें आना चाहिए। वो तो तीन चीज़ें कौन सी, एक तो आपको पूछेगा वो रदरफोर्ड वाले में, एक होगा क्यूरी वाले में, और एक होता बकविलिस में। तो जो तीन चीज़ें हैं ना, ये dN/dt इज इक्वल λ n, ये तीनों चीज़ों में आपको याद होनी चाहिए गाइज। सो ये तो मैंने थ्योरी करा दी आपको, सो इसके आगे का जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।